नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। खबर दोपहर में क्या कुछ खबरें हैं, रुक कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी के विधान परिषद सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सदस्यों से वैक्सीनेशन के लिए जोर भी दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि वो बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, लेकिन भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। इससे पहले अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताते हुए इसे न लगवाने की बात कही थी। बता दें, बुधवार को हुई बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ ही पंचायत चुनाव के प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई। बैठक में 15 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से करने का फैसला भी लिया गया। सपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी शामिल हुए थे। बता दें, बैठक में कहा गया कि बीजेपी राज्य में किसानों और नौजवानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है। किसानों के साथ किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और न तो उसकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद हुई और न ही वादे के अनुसार उसे लागत का सही मूल्य मिला। नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ उन्हें बहकाने का काम किया गया है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश के नौजवानों को 4 लाख नौकरियां देने का झूठा वादा किया था। बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। व्यापारियों के अपहरण और हत्या की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल, खाद्य पदार्थ सभी के दाम आसमान छू रहे हैं और विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल यमुना में प्रदूषण का स्तर और खराब हो गया है। यमुना बिना घुली ऑक्सीजन के नोएडा में प्रवेश करती है और उच्च स्तर के प्रदूषण के साथ शहर से बाहर निकल जाती है। UPPCB की रिपोर्ट में औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कठोर धातु की मात्रा, पारा और सैनिक सीसा आदि के आंकड़ों का जिक्र नहीं है। राज्य प्रदूषण निकाय ने बुनियादी मानकों पर पानी का प्रशिक्षण किया है, जिसमें भंग ऑक्सीजन DO और जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD और प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा पाया गया है। आंकड़ों के अनुसार मई 2021 में नदी के प्रवेश बिंदु ओखला बैराज पर यमुना का घुलित ऑक्सीजन स्तर 0 था। DO की न्यूनतम आवश्यकता श्रेणी D जलीय जीवन का प्रसार यानी पानी के लिए 4 मिलीग्राम प्रति लीटर और श्रेणी A के लिए 6 मिलीग्राम प्रति लीटर है। UPPCB की रिपोर्ट के अनुसार नोएडा उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है जहां यमुना E श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो पारंपरिक उपचार और कीटाणु शोधन स्नान या मछली और अन्य जलीय जीवों के जीवित रहने के बाद भी नदी को पानी के लिए अनुपयुक्त उपयोग बनाती है। जनवरी एकमात्र ऐसा महीना रहा है जब नदी ओखला बैराज में शहर में प्रवेश करती थी, जिसमें 1.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के DO मूल्य के साथ कुछ जीवन था। UPPCB के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली से प्रवेश करने वाले शाहदरा नाले से अनकैप्ड सीवेज यमुना की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार है। लखनऊ की एक अदालत ने पुलिस को उत्तर प्रदेश में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजमी के खिलाफ कथित दुष्कर्म की शिकायत के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी AK श्रीवास्तव ने पीड़िता के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया है। अदालत ने आदेश पारित करते हुए 3 दिन के अंदर सरायतगंज थाने के प्राथमिकी की कॉपी तलब की है। बता दें, आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि उसका पति रिजवी का 4 साल से उसका ड्राइवर था। उसने आरोप लगाया है कि एक दिन रिजवी ने उसके शहर से बाहर भेज दिया उसे और फिर रात में उसके घर पर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली और सोशल मीडिया साइटों पर उन तस्वीरों को अपलोड करने की धमकी भी दी। महिला ने दावा किया कि घटना के बारे में किसी को सूचित नहीं किया क्योंकि
से डर था कि इससे उसके पति को जान का खतरा हो सकता है, लेकिन रिजवी ने उसके पति को कुछ काम के बहाने बार बार बाहर भेजकर उसके साथ दुष्कर्म करना जारी रखा। रिजवी, जिन्होंने हाल ही में कुरान के अपने संरक्षण और प्रकाशित किया था, बता दें उन्होंने आरोप का खंडन किया है और दावा किया है कि उनका पूर्व ड्राइवर अपने प्रतिद्वंदियों को उनके बारे में सूचना दे रहा था। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई ने गुरुवार को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। बता दें केरल में भारतीय जनता पार्टी इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिल्लई को बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने पद की शपथ दिलाई है। गोवा लगभग एक साल से पूर्ण राज्यपाल के बिना था और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अगस्त 2020 से राज्य का प्रभार संभाल रहे थे। उत्तराखंड में अंग्रेजों के शासनकाल से रेल मार्ग की उम्मीद लगा रहे बागेश्वर के लिए एक बार फिर से रेल लाइन सर्वे की हलचल शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरोगेज की बजाय ब्रॉडगेज लाइन का सर्वे करने की मांग केंद्र सरकार से की है। साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृत का अनुरोध भी केंद्र सरकार से किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के कई सीमांत जनपद सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि तेज बरसात और भूस्खलन की वजह से इनमें से कई स्थानों का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है। ऐसे में यहां समय समय पर रेल मार्ग स्थापित करने की मांग उठ रही थी। इसी विषय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जनपदों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरोगेज की बजाय ब्रॉडगेज लाइन का सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध भी किया है। जम्मू शहर के वायुसेना स्टेशन के क्षेत्र में एक बार फिर से एक ड्रोन देखा गया है, जिसे वायुसेना द्वारा ड्रोन विरोधी तकनीक का उपयोग करके उसे जाम करके नष्ट कर दिया गया है। ड्रोन का पता गुरुवार तड़के समय लगा। आपको बता दें कि जम्मू शहर में सैन्य प्रतिष्ठानों और जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन देखा गया है। इससे पहले भी आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए दो ड्रोन में 27 जून 2021 को जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर एक कार्यालय भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया था और दो कर्मियों को घायल कर दिया था। बता दें जम्मू में वायुसेना स्टेशन के ड्रोन हमले की जांच एनआईए कर रही है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि सशस्त्र बलों ने पहले ही सैन्य प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थानों को ड्रोन रोधी सुविधाओं से लैस कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की खोज में तरल ईंधन संचालित विकास इंजन के तीसरे लंबी अवधि के गर्म प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन कर आगे बढ़ गया है। इसरो के अनुसार मानव रेटेड जियोसंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के कोर L110 तरल चरण यानी कि इंजन के लिए तरल प्रोडक्ट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गर्म प्रशिक्षण सफल रहा है। परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता आवश्यकताओं का हिस्सा है। तमिलनाडु में महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC की इंजन परीक्षण सुविधा में इंजन को 240 सेकंड की अवधि के लिए निकाल दिया गया था। बता दें इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया है। इसरो ने तीसरे रॉकेट में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले दो मानव रहित GSLV-MK कक रॉकेट उड़ाने की योजना भी बनाई थी। कानपुर के काकादेव इलाके में एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाने और 12,000 अमेरिकी नागरिकों का डेटा हैक कर
तकरीबन 9 लाख डॉलर यानी कि करीब 67 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां बुधवार को की गई। आपको बता दें कि गिरोह का सरगना पुणे विश्वविद्यालय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मोबाइल हैकिंग का एक्सपर्ट भी है। पुलिस ने गिरोह के कॉल सेंटर पर छापा मारा और कई फोन, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। बता दें पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा कि धोखेबाज कॉल सेंटर के जरिए लोगों के मोबाइल फोनों को टैप किया जा रहा था और पुलिस ने कई सारी चीजें इन चार आरोपियों से बरामद की हैं। आपको बता दें फर्जी कॉल सेंटर यहां पर चलाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने उन सभी लोगों से चीजें बरामद की हैं। उसमें एटीएम कार्ड, लोगों के फोन और कई सारी चीजें ऐसी थीं जो बरामद की है पुलिस ने, और ये लोग फर्जी कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका की कंपनी से हार्डवेयर के जरिए लोगों से ठगी करते थे और फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और चार आरोपियों को बता दें गिरफ्तार भी किया है और इसके साथ ही पुलिस के खाते की बड़ी सफलता लगी है। कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। कानपुर से फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ पुलिस ने इनके पास से कई सारी चीजें भी बरामद की हैं, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, और ये अमेरिकी कंपनी के द्वारा ठगी का काम करते थे और कई सारे लोगों को इन्होंने ठगने का प्रयास भी किया और कई सारे लोग इस ठगी का शिकार भी हुए हैं। काफी लंबे समय से ये इस कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे, लेकिन पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चार आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि बता दें फर्जी कॉल सेंटर का करोड़ों लोगों की ठगी, करोड़ों लोग इस ठगी का शिकार हुए थे। हालांकि पुलिस अब इन चारों लोगों से पूछताछ करेगी और इनसे तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएगी, कब से ये लोग इस कॉल सेंटर का फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और किसके थ्रू ये सारी चीजें की जा रही थी। तमाम जानकारियां पुलिस इनसे अब लेगी और पूछताछ में सभी जानकारियां पुलिस को दी जाएंगी और चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बता दें पूरा ये मामला कानपुर का है जहां पर चार लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर देश भर के युवाओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व युवा कौशल दिवस पर सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दूसरी बार है जब कोरोना महामारी के बीच हम ये दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व युवा कौशल दिवस इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने की अहमियत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 साल तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 सालों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से कौशल इंडिया मिशन को गति देनी ही है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई समाज कौशल को महत्व देता है तो समाज की कौशल क्षमता बेहतर भी होती है, उन्नति भी होती है। दुनिया इस बात को बखूबी जानती है, लेकिन भारत की सोच इससे भी 2 कदम आगे ही रही है। हमारे पूर्वजों ने कौशल को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे उल्लास भी किया, कौशल को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया। आप देखिए हम विजयदशमी को सशस्त्र पूजन करते हैं, अक्षय तृतीया को किसान फसल की, कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर कौशल, हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व रहा है। हमारे यहाँ शस्त्रों के निर्देश भी दिया गया है।
तो बता दें विश्व युवाओं का कौशल विकास एक अंतर्राष्ट्रीय जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है और भगवान विश्वकर्मा की पूजा हमारे देश में हर कौशल हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व रहा है। हमारे यहाँ शस्त्रों में निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय बेटियों की शादी करना है, इसी के अंतर्गत आज जनपद में करीब 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। वहीं सामूहिक विवाह समारोह में एक बड़ी चूक सामने आई। आपको बता दें कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक बिना सिंदूर दान के शादी पूरी नहीं मानी जाती। वहीं मौके पर मौजूद जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम जिम्मेदार लोग शादी समारोह में मौजूद रहे। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र के गांव में एक युवती ने सीओ से दो युवकों के खिलाफ तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता का कहना है कि थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि सीओ ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी इस पूरे मामले पर दे दिए हैं और पूरे मामले में जांच की जाएगी। तो बता दें युवती ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। लेकिन उसके बाद भी पीड़िता का आरोप है कि उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जब पीड़िता पुलिस थाने पहुंची, सीओ से इस पूरे मामले में शिकायत की, तो अब सीओ ने पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। बलिया के जिला कारागार में कैदियों की गुट में जमकर मारपीट हो गई और पथराव भी हुआ। वहीं जेल में बंद कैदियों ने घंटों जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि कई थानों के फोर्स के साथ डीएम और एसपी पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मारपीट से कोई भी घायल नहीं हुआ है और मौके पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बता दें सुरक्षा के लिए गैर जनपद की भी फोर्स को तैनात किया गया। तो बता दें कारागार का ये पूरा मामला है, जहां कैदियों आपस में भिड़ गए, पथराव भी की और जमकर मारपीट भी कैदियों ने की, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा और सभी का मामला शांत कराया गया। हालांकि लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी, ये वजह अभी तक सामने निकलकर नहीं आ पाई है। तो बता दें कैदियों ने जेल में जमकर बवाल काटा, मारपीट की और पथराव भी किया। हालांकि ये मारपीट और पथराव किस मामले को लेकर किया गया है, ये वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जिसके बाद सूचना जब पुलिस को लगी, तो कई थानों के फोर्स के साथ डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने मामले को शांत कराया और कहा कि मारपीट से कोई भी घायल नहीं हुआ है और मौके पर जांच के आदेश भी दिए गए कि आखिर ये मारपीट और ये पथराव क्यों किया गया। वहीं सुरक्षा के लिए गैर जनपद की भी फोर्स को तैनात किया गया मौके पर। लगभग 7 बजे ये सूचना आई कि जेल में दो गुटों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ है। उस सूचना पर सरकार मैं और पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो झगड़ा कर रहे थे आपस में लोग, उन लोगों से वार्ता की, उनको समझाया गया और वो सभी अपने अपने बैरक में वापस चले गए हैं। कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार की छोटी मोटी भी चोट नहीं है। प्रत्येक बैरक में जा जाकर सभी की गिनती कराई गई है, सभी कैदी वहां पर मौजूद हैं। अभी इस समय पूरी तरह से
आगरा कैंट स्टेशन पर चौकी इंचार्ज नफीस ने अटल चौक पर ओपन बार के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि सड़क किनारे शराब पीने वालों और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियों की भी चेकिंग की गई। वहीं चेकिंग से शराबियों में खड़कम मच गया। तो बता दें चेकिंग लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है और एक बार के सामने चेकिंग की गई, बिना गाड़ी के नंबर प्लेट की गाड़ियों की भी चेकिंग की गई। वहीं चेकिंग से शराब पीने वाले लोगों में खड़कम मच गया। लगातार पुलिस अभियान चला रही है, चेकिंग अभियान, और जिसके तहत बार के सामने चेकिंग की गई और बिना नंबर प्लेट की सभी गाड़ियों को पकड़ा गया, उनका चालान भी काटा गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेकिंग के दौरान लोगों में खड़कम मचता हुआ भी नजर आया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो बता दें चेकिंग के से शराबियों में खड़कम मच गया। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी जिले में, जिसके तहत शराब पीने वाले लोगों में भी हड़कंप मच गया। शराब पीने वालों के खिलाफ लगातार पुलिस का अभियान चल रहा है। वहीं बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ भी पुलिस ने चेकिंग की और हालांकि उसके बाद कई दुकानों से भी पूछताछ की गई, दुकान मालिकों से, और वहीं शराब पीने वाले लोगों की चेकिंग की गई तो शराब पीने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों की भी चेकिंग की गई, जिसके तहत कई लोगों का चालान भी काटा गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते दो दिन से हुई लगातार बारिश की वजह से बुधवार को पीपल मंडी चिन्यालीसी सौर बदेड़ी बाईपास में सुरक्षा दीवार का 30 मीटर हिस्सा गिर गया, जिसके वजह से चिन्यालीसी सौर के बोट नंबर 7 धनपुर के ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वहीं ग्रामीणों ने बीआरओ के कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क खोलने आए बीआरओ की मशीनरी को भी रोक दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम सहित बीआरओ के कमांडर को आश्वासन दिया और जिसके बाद ग्रामीणों ने बंद पड़े बाईपास को खोलने दिया। तो बता दें तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार बारिश होने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी देखा गया और इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क खोलने से भी बंद मना कर दिया। ग्रामीणों ने गुस्से में आकर पूरी सड़क को बंद कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बीआरओ के कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए। साथ ही साथ इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क खोलने आए बीआरओ की मशीनरी को भी रोक दिया। बता दें सूचना मिलने पर जब मौके पर एसडीएम पहुंचे थे, उनके साथ बीआरओ के कमांडर भी पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाईपास खोलने की इजाजत दी। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में अवैध धर्मांतरण का जाल फैला हुआ है। यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम पूरे धर्मांतरण रैकेट की पोल खोलने में जुटी हुई है। एटीएस धर्मांतरण रैकेट की पड़ताल कर रही है, लेकिन टीम में अफसरों की कमी देखने के लिए मिल रही है। बड़े स्तर पर फैले अवैध धर्मांतरण के जाल की जांच पड़ताल के लिए कम से कम 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जरूरत है। 32 जिलों में जांच के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया गया है, जिनका मकसद अवैध धर्मांतरण केस की परतें खोलना है। धर्मांतरण केस में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपियों से भी पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ शुरू कर रही है। बता दें अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लाए गए सलाहुद्दीन को शुक्रवार को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। वहीं यूपी एटीएस आरोपी को कस्टडी रिमांड में लेने के बाद पूछताछ करेगी। बता दें लखनऊ कोर्ट से 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद एटीएस ने शुक्रवार को इरफान शेख, राहुल भोला और अब्दुल मुन्ना उर्फ मन्नू यादव को जिला जेल लखनऊ से पुलिस कस्टडी में लिया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जिससे न केवल सहकारिता आंदोलन के सफल होने की आशा की जा रही है, बल्कि सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के साकार होने की भी उम्मीद की गई है। देश में आज 55 किस्मों की 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं, जिनमें कुल सदस्य संख्या 28 करोड़ है, जिससे 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। तो
बता दें 90 लाख से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं, जो ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं, जो तीन प्रकार की हैं। एक वो जो अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में देती हैं, दूसरी वो जो ग्रामीण इलाकों में तो सेवाएं देती हैं पर कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती, और तीसरी वो जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतें पूरी करने का प्रयास करती हैं। देश में करीब 1 लाख महिला सहकारी साख समितियां भी हैं। ऐसे ही मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी हैं, तो बुनकर सहकारी साख समितियां भी हैं और हाउसिंग सहकारी समितियां भी हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि हम दो हमारे दो का कानून बदलकर हम दो हमारा एक करना चाहिए। भारत सरकार अगर ऐसा कानून बनाती है तो राजस्थान सरकार भी उनका साथ देगी। सच्चाई तो ये है कि आज से 29 साल पहले राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश जैसे कानून बने थे, लेकिन जनसंख्या का विस्फोट जारी है। राजस्थान में प्रजनन दर उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। राजस्थान में 200 विधायकों में से 77 के 3 से लेकर 9 बच्चे हैं। पिछले 7 दशकों में राजस्थान की आबादी 426% बढ़ी है। वहीं 1997 में राजस्थान की आबादी 1.5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो गई है। राजस्थान देश में उन राज्यों में शामिल है जहां पर आबादी नियंत्रण के लिए सबसे पहले कठोर कानून बनने हुए थे। 1992 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने पंचायत और नगर पालिका कानून में बदलाव करते हुए जनप्रतिनिधि चुने जाने के लिए 2 बच्चे अनिवार्य कर दिए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चारों तरफ इस वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।